हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम करेंगे ड्यूई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23/10/2021 क्रमांक संख्या 95। आज की वर्कशीट इंग्लिश वर्कशीट है जो क्लास 2 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 5 फनी बनी स्टोरी, पेज नंबर 80 से 82 तक की है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या है। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हेल्प योर फ्रेंड इन द टाइम ऑफ नीड। लेट अस सी हाउ एन एलिफेंट हेल्प हिज फ्रेंड्स द रैबिट्स। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने दोस्त, मुझे यकीन है कि आप अपने दोस्तों की मदद किसी भी समय करते होंगे। जब उन्हें आपकी जरूरत होती थी तो आप उनकी मदद करते होंगे। चलिए देखते हैं कि हाथी ने किस तरह से अपने दोस्त रैबिट्स की मदद की। चलिए, पार्ट ए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। द पिक्चर्स टेल अस अ स्टोरी। अरेंज द स्टोरी इन द करेक्ट सिक्वेंस। नंबर द सिक्वेंस ऑफ पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोरी इन द बॉक्स गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है स्टोरी से रिलेटेड, उनको आपको करेक्ट सिक्वेंस में लगाना है। स्टोरी को बॉक्स के अंदर दी गई है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ है, उन्हें सिक्वेंस वाइज लगानी है। एक आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, देखिए करते हैं क्या है सीक्वेंस। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है हमें बॉक्स में दिया हुआ। ये है द रैबिट्स जंप्ड ओवर द एलिफेंट एंड क्रॉस द रिवर। दूसरा क्या है द एलिफेंट, मतलब देखिए यहाँ पे रैबिट ने, रैबिट जो है एलिफेंट के ऊपर से, यहां से देखिए ऊपर से जाकर रैबिट एलिफेंट के ऊपर जाकर दूसरी तरफ जंप कर गए नदी के दूसरे किनारे। द एलिफेंट थ्रो द वॉटर ऑन द टाइगर। एलिफेंट ने टाइगर के ऊपर अपनी सूंड से पानी फेंका। द रैबिट रन टूवर्ड्स द एलिफेंट्स फॉर द हेल्प। रैबिट दौड़े हाथी के पास उससे मदद मांगने। और ये देखिए फर्स्ट, इसमें लास्ट वाले में क्या है। वन डे थ्री रैबिट्स वेयर एंजॉइंग ईटिंग The carrot and suddenly a tiger came। यहाँ पे तीन rabbit है, एक दिन तीन rabbit carrot enjoy कर रहे थे, तब तक वहां suddenly अचानक वहां पर एक tiger आ गया। तो चलिए एक देखिए आपको किया हुआ है। पहला है number one पे, one day three rabbits were enjoying eating the carrots and suddenly a tiger came। पहला ये है। दूसरा देखिए क्या है, देखिए ये दूसरा सेंटेंस ये है। द रैबिट रन्स टूवर्ड्स द एलिफेंट फॉर द हेल्प्स। रैबिट दौड़े और हाथी से मदद मांगे। किसकी तरफ दौड़े, हाथी की तरफ। और ये तीसरा है, द रैबिट जंप्स ओवर द एलिफेंट एंड द क्रॉस द रिवर। रैबिट सारे एलिफेंट के ऊपर चढ़कर रिवर पार कर गए। फिर चौथा है हमारा ये, द एलिफेंट थ्रो वाटर ऑन द टाइगर। एलिफेंट ने अपने सूंड से टाइगर के मुंह पर पानी फेंका भरकर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है बच्चों। पार्ट बी। नाउ राइट द नेम ऑफ द ऑल कैरेक्टर एनिमल्स ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे बच्चों जो कैरेक्टर हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है, रैबिट। जितने आपको एनिमल इस स्टोरी में दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। पहला है रैबिट्स, बहुत सारे हैं ना, आप रैबिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। और तीसरा क्या है, टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर। चलिए आगे क्या है देखते हैं।
Talk time. Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the animals in the picture are talking about? Imagine and create this dialogue. Say them loud and write them in your notebook. You may take your helps of your elders. देखिए बच्चों, आपको राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी गई, इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं, और इसे अपनी कॉपी में लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना है। तो चलिए देखते क्या है। यहाँ पे स्क्वायरल है, गिलहरी, और यहाँ पे रैबिट, और यहाँ पे देखिए एक एलिफेंट सोया हुआ है और ये स्क्वायरल और रैबिट एलिफेंट के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो रैबिट बोलता है कि नो नो स्क्वायरल, कम डाउन, लुक एट द एलिफेंट इज स्लीपिंग। अगर तो स्क्वायरल कहती नो रैबिट्स कम, लुक एट द जंप, वेरी सॉफ्ट, वेरी हाई, कम हियर, वेरी स्मूथ, वेरी सरफेस इज वेरी सॉफ्ट एंड स्पंजी, कम यू फील वेरी बेटर। ऐसे ही कुछ डायलॉग अपने क्रिएट करने हैं। अगर आपको नहीं आता तो घर में किसी बड़े की सहायता ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द स्टूडेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ ऐसे अनुभव को साझा कीजिए जो अपनी किसी की मदद की हो, और उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए बच्चों को अपने प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले बच्चों 2 गज की दूरी बना के रखे। अगर कोरोना को हराना है तो बच्चों में 2 गज की दूरी बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।